नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्सिद जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है ज्योग्रफी के सो इनवायमेंट ज्योग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट वेलकम सर थैंक यूल सर थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटीजन आम शाहिदिंग ज्योग्राफी और चल रहे हैं Like, अगर, मैं अपनी बात करूं, so अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की अब ज्योग्राफी के दो आस्पेक्ट है एक है क्योंकि जो ये पेपर है ये यूपीएससी कंडक्ट करने वाली ये आप लोगों को पता होगा यूपीएससी एक वो बॉडी है जो क्रीम उठाती है, है ना अब सिविल सर्विस में भी यूपीएससी उठा रही है और यहाँ पे भी, भी वो क्रीम उठा रही है तो फर्क क्या होगा फर्क होगा एनालिसिस का और क्वेश्चन का जो वो आपसे चाहती है क्योंकि यहाँ पे कहाँ जाना है ये एग्जाम है सी का आर्म फोर्सेस का तो मुझे लगता है वो डीप ना जाके जो इश्यूज चल रहे होंगे अब ज्योग्राफी का फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लीजिए जैसे सुंदरबन में इशू चल रहा है कि सुंदरबन डूब रहा है सिंकिंग हो रहा है वो एक बर्निंग इशू क्लाइमेट चेंज का है फूड सिक्योरिटी हमारे कंट्री में है,

always there for you इन your इंडेवर till the result is there तो ये contribution हमारा रहने वाला है चाहे वो environment को ले लीजिए जो core concept है like, लाइक जो ऐसा है अगर आप बात करें जो paper टू है paper टू बड़ा vague सा लगता हुआ कि ऐसे जनली हमें लगता है कि ऐसे मतलब कोई book खरीद लीजिए market से और usse ऐसे पढ़ लीजिए यूपीएससी में याद रखिएगा यूपीएससी ऐसा नहीं चाहती यूपीएससी आपके concepts जो है उनकी क्लैरिटी चाहती है अब अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं ज्योग्राफी वो टॉपिक है अगर आपकी ज्योग्राफी की नॉलेज अच्छी है तो आपको हिस्ट्री अच्छा समझ में आएगा अगर आपको हिस्ट्री अच्छी समझ में आती है तो आपको इंडिया की जो इकोनॉमी वो अच्छी समझ में आएगी अगर आपको तीनों अच्छे समझ में आते हैं तो इंडिया के जो इश्यूज है ना जितने भी चाहे वो पोलिटिकल इशूज हैं चाहे वो सोशल इशूज हैं चाहे वो इकोनॉमिक इशूज हैं जिनको आप कहते हैं एस एस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ योर आइडियाज उनको चैनलाइज करना है हम वही चीज क्लास में आप लोगों के साथ बात करने वाले तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ जो ज्योग्रफी एनवायरमेंटल रिलेटेड जो करंट इश्यूज चल रहे होंगे इवन द बेसिक कॉन्सेप्ट तो वो मैं करने वाला हूँ थैंक यू सर ओवर टू यू सो आई होप यू ऑल लाइक दिस शॉर्ट वीडियो ऑफ आर ऑन गोइंग असिस्टेंट कमांडेंट 2022 पेपर टू कंप्लीट लाइफ कोर्स हमारा 2022 के लिए डेडिकेटेड लाइफ कोर्स चल रहा है पेपर टू के लिए जिसमें हमारे पास आ, आ, जो फैकल्टी है सिक्स फैकल्टीज़ आर टीचिंग छः फैकल्टी है जो टीच कर रही है ऐसे कॉम इसे आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट राइटिंग और जो दो फैकल्टी है वो टीच कर रही है ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन प्रेस ए सो आठ फैकल्टी इस कोर्स को डिजाइन कर रही है और इस कोर्स को अभी आपके सामने लेकर आ रही हैं उसमें से एक फैकल्टी जो अभी आपने उनको देखा अब कैसे आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो बहुत सिंपल तरीका है आप अपना सात दिन का ट्रायल ले सकते हो सात दिन का ट्रायल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा सिंपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे इसमें सबसे सिंपल स्टेप जो है शॉर्टकट है दैट इज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या अभी जो वीडियो देखी उसके डिस्क्रिप्शन में या कोई भी हमारी पास्ट की वीडियोज के अंदर उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस लिंक के ऊपर लिखा होगा गेट योर सेवन डेज फ्री ट्रायल ये सात दिन के फ्री ट्रायल को आप उस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हो और

चूज में आप डिफेंस सर्विसेज एग्जाम में जाओगे तो नीचे जो है फर्स्ट एग्जाम सीएपीएफ का होगा जैसे आपने नीचे सीएपीएफ का एग्जाम क्लिक किया आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा और जैसे ये इंटरफेस आया आपके साइड में ना एक पॉप आउट होके ये चीज आएगी इसमें आप व्यू डिटेल्स जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गेट योर सेवन डेज फ्री ट्रायल सात दिन का आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं तो ये पूरा डिटेल आपको सात दिन का मिल जाएगा लास्ट ईयर ट्वेंटी एट प्लस सेलेक्शन थी टॉपर इंटरेक्शन आप इस प्लेटफॉर्म पे देख ही सकते हैं उनके अपनी एक्सपीरियंसेस हैं अपनी जर्नी है और साथ ही साथ जो है इस इस पूरे कोर्स के अंदर आपको वन फिफ्टी प्लस लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको एट फैकल्टीज पढ़ा रही हैं इस कोर्स के अंदर थर्ड इज टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है फोर्थ इज प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं जो फैकल्टी अपने लेक्चर के दौरान आपको करवा देती है पांचवा यहाँ पे आपको इश्यू एंड एनालिसिस भी मिल रहा है अलग से ताकि आप उसको भी पढ़ें ताकि आप और भी अपना होराइजन ब्रॉडन कर सकते हैं और छठा जो है आपको उस लेक्चर की पीडीएफ भी मिल रही है बहुत आसानी से और सातवां जो है आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल रही है जो आप मुझे कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है मुझे ये दिक्कत आ रही है तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए सबके लिए अवेलेबल है इसमें इतनी फैकल्टी है जो पार्टिसिपेट कर रही है इसमें कुछ फैकल्टीज़ नहीं है जो यहाँ पर नहीं लगी लेकिन वो लोग भी पढ़ा रहे हैं इस सेशन के अंदर सो ये बहुत ही होलिस्टिक है हमने दो चीज़ें मुझे लगता है कि दो चीज़ों से आपके इतना स्कोर आ सकता है एक तो है आपकी प्रॉपर टाइमिंग टाइमिंग मतलब आपके पास चार साढ़े चार महीने का टाइम होना चाहिए एक महीने में कोई 100 प्लस 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 या 110 प्लस, 120 प्लस मार्क्स नहीं लेकर आ सकता पेपर टू के अंदर बिकॉज इट्स अ यूपीएससी एग्जाम राइट हमने इसीलिए आपके लिए पहले ही एडवांस में कोर्स लॉन्च किया चार सवा चार ये सवा चार महीने का कोर्स है तो पहला तो बात है कि पहले तो आपके पास प्रॉपर टाइमिंग है प्रिपेयर करने की ठीक है और दूसरी चीज चाहिए अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं दैट इज फैकल्टी सो फैकल्टी सबकी सब फैकल्टी सब जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड की है और सिविल सर्विसेज के ही इसीलिए बच्चे जो है क्लियर करते एग्जाम को क्योंकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं उनका उतना लेवल जो है वो बन चुका होता है इसीलिए ये गैप था ऑनलाइन में कि सीएपीएफ के लिए कोई डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज का फैकल्टी या एक्सपीरियंस जो है वो नहीं आया था अभी तक के प्लेटफॉर्म के अंदर कि वो फैकल्टी जो है टीच कर रहा है यूपीएससी सीएपीएफ पेपर टू के लिए बट इस गैप को हमने फुलफिल किया जहां पे आप देखोगे आठ फैकल्टी जो है दे ऑल कमिंग फ्रॉम द सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड

करने के लिए वी आर ब्रिंगिंग दिस सो आप इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो मैंने बता दिया दिन का ट्रायल लीजिए एंड मेक आपको कोई भी कोई भी भी डाउट है है दिक्कत दिल दिमाग के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है CAPF को लेके तो सीधा उससे मिलनी चाहिए, तो उस चाहिए जिसने ये सारी प्रोसेस को बहुत तरीके से देखा हो बहुत अच्छे से देखा है और एग्जाम को क्वालिफाई किया है राइट सो आई होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम जय हिंद एंड कीप वर्किंग हार्ड बी रियलिस्टिक बी प्रैक्टिकल एंड मेक श्योर दैट यू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स थैंक यू जय हिंद